7:30 PM और अभी मैं जो हूँ जा रहा हूँ एक गरबा इवेंट में। बेसिकली मैं जो हूँ मेरे एक फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ गरबा इवेंट में, जो कि बोरीवली में ही होना है। साथ में वो फाल्गुनी पाठक का गरबा इवेंट है, सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। सो चलो अभी अपन चलते हैं, मैं एकदम तैयार हो चुका हूँ। हाँ, ये कुर्ता देखा देखा लग रहा है, लेकिन अब मेरे पास जल्दी में यही था, साथ में ये गुजरात, साथ में मैंने कोट डाल दिया है। सो चलो अभी अपन चलते हैं। गाइस वो पता है ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा पास है, पर पता है कसम से इतना ट्रैफिक है ना, मतलब मेरे को वो ग्राउंड पहुँचने में ये मानो आराम से 5 से 10 मिनट लगते थे, लेकिन अभी मेरे को कम से कम 28 मिनट हो गए। समझ लो कितना ट्रैफिक है कसम से भाई। मैं अभी इधर आ चुका हूँ और साथ में यहाँ पे इतनी भीड़ हो रखी है, बिकॉज सब लोग यहाँ पे गरबा के लिए आए हुए हैं। एंड यहाँ पे जो है इतने लोग हो चुके हैं कि नेटवर्क फेल हो चुका है। मैं अपने फ्रेंड को खुद लगा रहा हूँ, वो तक मेरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। मैं तो पहली बार कोई ऐसा मतलब गरबा इवेंट अटेंड कर रहा हूँ जो कि इतने बड़े लेवल पर होता है, एंड स्पेशली फाल्गुनी मैम का पहली बार। इतने सारे लोग हैं भाई, बहुत मजा आने वाला है आज तो। मेरी जो फ्रेंड है वो आ चुकी है, तो चलो अभी अपन अंदर चलते हैं, आ जाओ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई, भाई ये मुझे आगे नहीं जाने दे। इधर एक्चुअली प्राप्ति की एक फ्रेंड जो आई थी वो घूम चुकी है, तो अभी सब लोग बस उसे ही ढूंढ रहे हैं। अभी मैंने पानी की बोतल ली है, 20 रुपए की पानी की बोतल है, ठीक है, बट यहाँ पे मिली है 60 रुपए की। वाह कसम 40 रुपए एक्स्ट्रा भाई, लूट अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली मची है इधर। ये फ्रेंड थोड़ी सांस में साथ है, हवा आई है, नहीं तो इतना कंजस्टेड हो गया था, मतलब कसम से खड़े होने की जगह नहीं थी सामने गरबा, तो लोग इतना तेज कर रहे हैं भाई साहब, मैं तो बस टक्कर 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 कहा कहा के मैं बस करते जा रहा हूँ कैसे भी करके, बाकी मुझसे ना हो रहा गरबा। राइट नाउ 10:15 और अभी जो है लाइक सब लोग निकलते जा रहे हैं धीरे धीरे, एंड हम लोगों को तो खेलने को भी ज़्यादा मिला ही नहीं कसम से, पूरा ट्राई किया हमने, बट तब भी मिला ही नहीं, बट मज़ा आया, काइंड ऑफ मज़ा आया यार। हम लोग थोड़ा लेट आए थे बट फिर भी ओके भाई, अब इतनी भीड़ तो समझ सकते हैं हम। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बिकॉज 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। मैं तो ये सोच रहा हूँ यार, जो अगल बगल में रहते उनका क्या होता होगा यार, उन लोगों की अलग बैंड बजती होगी। इट्स रियली टफ भाई, स्पेशली देखो आज तो वैसे मंडे था, बट अगर आप लोग भाई किसी छुट्टी वाले दिन आ रहे हो ना, मैं सजेस्ट करूँगा मत आओ, क्योंकि भाई यहाँ पे भीड़ एक्सेस में हो जाती है। लाइक हम लोगों को भी गरबा करने को मिल नहीं रहा था, वैसे मैं अगर दिल से बताऊँ तो नहीं मिल रहा था भाई, हम लोग ने बहुत ऐसा कंजस्टेड जगह से गरबा किया। एंड क्या फोन चाहिए भाई फोटोज के लिए, किसका फोटो लेना है, सभी के फोटोज चाहिए।
उसे वापस दे रहा है। यहाँ पे हर कोई फोटो खींच रहा है, भाई अभी हर जगह कोई कोई ऐसे बात करने नहीं रुक रहा है, हर कोई फोटो सब फोटो सब फोटो के लिए भाई, जनरली देखा है सब फोटो ले रहे, सब सब फोटोज के लिए आए भाई, फोटो वीडियो, मैं खुद फोटो वीडियो के लिए आया भाई, फोटो ही देने आया है भाई ये। बाकी भाई मजा आया एंड सच्ची में भाई जल्दी मिलते हैं आप साथ, भी बहुत मजा आया भाई, आज बहुत मजा आया जेन्युइनली। अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अपन। बाकी आप लोगों ने शायद हमारे शॉर्ट वीडियो भी देख लिया होगा, हमने जो बनाया था नवरात्र पे, एंड अब प्राप्ति का भी वेलकम हो चुका है शॉर्ट्स की यूनिवर्स में हमारे। बाकी प्लीज जल्दी हम अभी चलते हैं अपन, बाकी बहुत मज़ा आया यार कसम से। हम लोग ने लास्ट नवरात्र भी प्लान कर रहे थे लेकिन लास्ट नवरात्र हुआ नहीं, इस नवरात्र हो गया, मज़ा आया। अभी पता ऑटो मिलने में मेरे को बहुत टाइम जाएगा, पता है कसम से, अभी इतनी सारी जनता बाहर निकल रही है, ऑटो तो बहुत मुश्किल से मिलने वाला है मेरे को बाहर, क्यों है पूरी पार्किंग भी फुल हो गई थी, मतलब कसम से बता रहा हूँ पूरा फुल हो गया था, ये लोगों को पता है बाहर पार्क करना पड़ा है, इतना फुल हो गया था, एंड वो तो अलग, फिर उसका जो स्कूटी से आए नॉर्मल लोग आए भाई, बहुत भीड़ थी आज तो कसम से। अरे फ्रेंड जी देख रहे हो जरा, ये निकली है भाई पब्लिक, पूरा रोड जाम कर दिया, मतलब कसम से बहुत ट्रैफिक हो गया भाई। प्राप्ति के ब्लॉग के लिए मिलते हैं जल्दी। मैं भी ऑटो में बैठ चुका हूँ फाइनली, मतलब ये मानो आधे घंटे बाद मुझे ऑटो मिला है। इट्स टाइम राइट नाउ 11 ही हो गए भाई, 10:59 हो रहा है, इट्स राइट नाउ 11 PM। और भाई साहब आज तो थक गए यार अच्छे खास से, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना होगा भाई। तो चलो अभी हम फटाफट घर चलते हैं, सभी लोग जा चुके हैं प्राप्ति, सभी लोगों को भेज दिया, चलो अभी अपन घर चलते हैं। सो फ्रेंड्स मैं भी वापस आ चुका हूँ, एंड कल जो है ना हम लोग बहुत ही मज़ेदार जगह जाने वाले हैं, मतलब आप लोगों को उसकी ब्लॉग तो शायद मिल ही जाएगी जल्दी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार जगह। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लवली लवली विशेज, एंड जैसे कि आज है 18 तारीख का 18th October, एंड आज है मेरा बर्थडे, सो आप लोगों की प्यारी प्यारी विशेज कमेंट्स मुझे मिलते जा रहे हैं, एंड मैं बहुत खुश हूँ। अभी आप लोग सोच रहे हो कि कहाँ है ये, क्या कर रहा है, तो जल्दी आप लोगों को इसका व्लॉग मिलेगा, सो इसलिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए तैयार रहना, एंड काफ़ी कुछ मज़ेदार होने वाला है। ओके तब तक के लिए बाय बाय।